मूर्ति भेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानं शुभ्रतानि स्थिरचलनिकरा व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगास्तविषान् पुनरभिषामुद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अलात शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार करते हुए जगत मिथ्या है क्यों ये दिखाई देता है इसलिए यहीं पर तो गड़बड़ हो जाता है, पहला ही पाठ गलत हो जाता है। हमको लगता है कि जगत सत्य है क्यों दिखाई देता है इसलिए, और शास्त्र ही इसको उल्टा बोलेंगे। तब बोलते हैं देखो स्वप्न भी तो तुमको दिखाई देता है ना, दिखाई देता है तो स्वप्न सत्य क्यों नहीं मानते। ये तुम्हारा आपने आँख से दिखाई देने से सत्य होगा तो सपने में तो तुमको दिखाई देता है, सत्य क्यों नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते हैं कि जहाँ गया था उठकर कहीं वहाँ नहीं मिलता, जिससे मिला था उस व्यक्ति भी मुझे नहीं मिलता, जो जो मुझको मिला था वो भी मुझे नहीं मिलता। और दूसरी बात क्या है कि अब मैं घूमता रहे तो अलग जगह पर और दूसरा व्यक्ति आके मेरे को जो है उसी बिस्तर में उठाता है, ये सब जो है इसीलिए स्वप्न जो है सत्य नहीं है मानते। परंतु यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, जब मैं जो देख रहा हूँ आज स्वयं तो काल उठ करके उसी वस्तु को देख रहा हूँ, और ये जो है जागृत जो है स्थिर है और स्वप्न जो है चंचल है, इसीलिए जो है उसमें तत्व बुद्धि होती है, इसमें स्थिर बुद्धि होती है। तब बोलता है ये विवेकी बोल रहे हैं कि अविवेकी बोल रहे हैं, विवेकपूर्वक बोल रहे हो कि अविवेकपूर्वक बोल रहे हैं। यदि अविवेकी बोलते हैं तो ठीक है मानने के लिए तैयार, यदि विवेकपूर्वक बोलते हैं तब तक ठीक से विचार करके बोलते हैं। जो वस्तु तुमको पहले दिखाई दे रहा है वो तुमको लग रहा है कि आज दिखाई दे रहा है, उस वस्तु में कितना परिवर्तन। अब दूसरी बात क्या है, सभी को दिखाई देता है एक ही चीज़, हमको जो दिखाई दे रहा है वही तो दिखाई दे रहा है। बोलते हैं कि सभी को जो दिखाई दे रहा है वस्तु से हमारा संबंध नहीं है, सोता है किस भाव से वो दिखते हैं। बंधन का हेतु वस्तु नहीं है तो बंधन का हेतु होता है भाव। प्रत्येक वस्तु के भाव अलग अलग होते हैं, व्यक्ति के भाव वस्तु के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक वस्तु के प्रति अलग अलग भाव होते हैं। उसी कारण से जो है वहाँ पे बंधन में भिन्न अथवा स्वप्न में भिन्नता हो जाती है। यदि जागृत हम लोग को क्या दिखाई देते हैं कि जागृत में जो वस्तु दिखाई देते हैं वही वस्तु आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है तो याद नहीं रहता कि जागृत में कभी देखा कि नहीं देखा, परंतु स्वप्न में दिखने की अरे कैसे देख लिया, परंतु कितना जन्म में कितना वासना इस शरीर में भोगा जा सकता है उसको तो भगवान ने जोड़ दिया, तो जन्मांतर ये कोई वासना ऐसा रहा होगा जो किसी निमित्त को लेकर के उद्भूत हुआ और हमको दिखाई देने लगती है। परंतु जागृत को हमने स्वप्नों के लिए हेतु बनाया, फिर उसके बाद में हम अपने आप ग्रंथकार कहते हैं कि उत्पत्ति होना संभव नहीं है। अरे भाई जो बोल रहे हो समझ बुझ के तुम भी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, बोलते बिल्कुल समझ के बोल रहा हूँ, आपने हमारी भाव को समझ नहीं पाया। जागृत वस्तु स्वप्नों के लिए हेतु नहीं होता, तब तो सभी व्यक्ति को एक ही, परंतु जिस जागृत वस्तु के प्रति हमारा मन तन्मय होता है, जागृत में जो वस्तु दिखाई देता है वो सपने के लिए कारण नहीं होता। जागृत में जो वस्तु दिखाई देता है मन जिसको लेकर के संकल्प विकल्प करता रहता तन्मय होकर के, वो वस्तु स्वप्न में दिखाई देता है।
आपने हमारे इस अर्थ को समझ नहीं पाया, इसीलिए आपको ऐसा कहते हैं। और आप अभी इसको इस श्लोक को तो कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे 39 में, ठीक है, वहीं से शुरू होगा ना। श्लोक को सब मिल के पढ़ते हैं एक बार। असत् जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत् स्वप्ने दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। ये देखिए, असत् जागरिते दृष्टा, असत् को अपने जागरण में देख कर, यहाँ पे असत् मतलब तुच्छ बंध पुत्र के जैसे नहीं है, ये मिथ्या वस्तु मतलब प्रतीति होते हैं, है ना। इसलिए उस प्रातिक वस्तु, प्रातिभाषिक वस्तु को देख करके और उस प्रातिभाषिक वस्तु में मन को आपने इतना तल्लीन किया कि मन तन्मय हुआ, और उस तन्मयता के कारण आप उस वस्तु को सपने में देखते हैं। असत् जागरिते दृष्टा स्वप्न स्वप्ने पश्यति ये तन्मय, जिसका मन उस तन्मय हो गया, उसी में लय हुआ, उसी के लेकर के विचार करते रहते हैं, उसके फलस्वरूप उस वस्तु को स्वप्न देखते हैं। तो जागृत वस्तु हमारी स्वप्नों के लिए हेतु नहीं है, जागृत वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति भावना तन्मयता विकल्प मतलब चिंतन, वही हमारे लिए उस स्वप्नों के लिए हेतु बनता है। एक व्यक्ति ने पूछा था महाराज, हिरण्यगर्भ में स्वप्न देखता कि नहीं देखता, ज्ञानी पुरुष स्वप्न देखता कि नहीं देखता। उत्तर आ गया यहाँ, सपने क्योंकि आपका जागतिक वस्तु संबंधित तन्मयता होगा तब आप स्वप्न देखेंगे ना। हिरण्यमय हिरण्यगर्भ पद में बैठा जागतिक वस्तु संबंधित तन्मयता नहीं है, हाँ समष्टि मन है, वो समष्टि में ना जाने कौन व्यक्ति क्या का स्वप्न देख रहे, सब तो उसी का ही है, पर तो उसका अपना। जिस प्रकार एक व्यक्ति हिरण्यगर्भ एक समष्टि रूप भी है, व्यष्टि रूप भी है, इस प्रकार भारत की प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते उसका स्थान है, परंतु सारा भारत उसका घर है। ठीक इसी प्रकार हिरण्यगर्भ का अपना अपना लोक ब्रह्म लोक है, परंतु सारा सृष्टि उनका ही, वो समष्टि रूप भी है व्यष्टि रूप भी। तो आप व्यष्टि रूप में स्वप्न देख सकते हैं, इस विषय में हम नहीं बोल सकते, शास्त्र प्रमाण का आधार करते हैं। और समष्टि रूप में तो कई व्यक्ति कितना कितना समष्टि हो रहा है, परंतु ज्ञानी पुरुष के स्वप्न होना संभव नहीं, क्यों, सांसारिक विषय संबंधित जो तन्मयता थी वो है ही नहीं, तो स्वप्न कहाँ से देखेंगे। स्वप्न तो उस वस्तु को देखते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए सपनों के जिस प्रकार जागृत वस्तु में उनके सामने स्वप्न जैसा हो गया, मतलब जागृत वस्तु के दृष्टा मात्र में पूरा सृष्टि स्वप्न है उनके सामने, चाहे शरीर सोए हुए है अथवा जगे हुए है, सृष्टि स्वप्न जैसा तन्मय। असत स्वप्न की दृष्टा, इसी प्रकार असत वस्तु को स्वप्न में भी देख करके, चकार के द्वारा क्या बोलेंगे, विपरीत अपी और चे द्वारा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जागृत वस्तु कितना वस्तु जागृत में हमने देखा, सबका हम स्वप्न नहीं देखते हैं, है कि नहीं, और सबके प्रति हमारी भावना भी एक प्रकार की नहीं होती, इसलिए नहीं देखते, ये अपी अर्चा के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से स्वप्न में भी जो कुछ वस्तु हम देखते हैं वो उठ करके नहीं देखते, क्यों, स्वप्न में बैठ करके हम संकल्प विकल्प नहीं करते, यदि हम करते जिसको उसको यहाँ पर दिखाई देते। जिस प्रकार मान लीजिए हमको दिखाई दिया कि स्वप्न में ऐसा कभी हो सकता है मेरा मित्र मन, तो दूसरा हो सकता है हमारे पास समझ में या संवाद संवाद आए कि ये व्यक्ति मर गया, अथवा मेरा मित्र को कोई पुत्र संतान उत्पन्न हो उसके क्षेत्र, ये हो सकता है हमने स्वप्न में देखा, क्योंकि वो मन उसने प्रार्थना की तो उसने स्वप्न में वो चिंतन देखा और वो हुआ, और घटना घटी वो लोग भी चिंतन किया, ऐसा भी अपी चापे द्वारा ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे ना असत्य स्वप्न असत स्वप्ने अपी दृष्टवाच्य, मतलब दृष्टाचार मतलब उसको देखकर असत स्वप्नों में असत को देख करके भी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ देख सकते हो कुछ नहीं देख सकते, जागृत में भी जितना कुछ हम देखते हैं सभी स्वप्नों में नहीं देखते हैं, उसमें से कुछ देखते हैं। इस प्रकार स्वप्न में भी जो कुछ देखते हैं नहीं देखते उठ करके, एक आदि कुछ दिखाई भी देख सकते हैं, इसका कोई नियम मत बनो, परंतु नियम क्या है, मन कहाँ पर तल्लीन है वहाँ पर आपको दोबारा उसका रिपीटेशन फल तो क्या हो गया, प्रतिबुद्ध न पश्यति। ये प्रतिबुद्ध मतलब जग करके फिर उसको नहीं देखता, मतलब सपनों से जग करके फिर साप्निक वस्तु को जगने वाला व्यक्ति, प्रतिबुद्ध मतलब जगने वाला व्यक्ति साप्निक वस्तु को दोबारा नहीं देखता, सपनों को लेकर के अब ज्ञानी कुछ भी लेकर देगा प्रतिबुद्ध दोनों जगह पर लगा हुआ, माया निद्रा से उठा हुआ व्यक्ति फिर जगत को ऐसे नहीं देखता, यानी प्रतिबुद्ध न पश्यति। यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं, मूल में टिप्पणी है असत जागृत विश्व,
अविद्यमानं भ्रांति विषयं वस्तु इति अर्थ, जो वस्तु पारमार्थिक नहीं है, भ्रांति से प्रतीति हो रही है जागृत काल में भी, उस वस्तु को देख करके हम सपने में उसके उसको लेकर हम संकल्प विकल्प करते हैं, फल हमको फिर तन्मय मन तन्मय होते हैं। देखिए तन्मय मतलब तत्संस्कार संस्कृत मन, तत्संस्कार संस्कृत मन मतलब जिस कर्म को हमने किया उस कर्म को करते समय, किसी वस्तु को देखा उस वस्तु को देखते समय, उस वस्तु संबंधी जो चित्त भूमि में जो संस्कार था उस वस्तु का हमने उस रूप में ग्रहण किया और उस संस्कार से फिर मन और संस्कारित हो गया। मतलब किसी वस्तु को देख करके हमारी पहले अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि थी, तद अनुकूल इस वस्तु को भी वही दृष्टि वही दृष्टि किया और पहले ही अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि बैठी हुई है और अभी उसी वस्तु से देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि उस वस्तु के प्रति और तन में ध्यान, तो उस समय में संस्कार तन्मय शब्द। यहाँ पे देखो जागृत को हमने स्वप्नों का हेतु नहीं बोला, जागृत विषय जहाँ पे आपके मन की तन्मयता है वो आपके स्वप्नों के लिए हेतु बनता है, ठीक है, ये हमारी अभिप्राय है। तो इसको लेकर के हो गया श्लोकार्थ तो हो गया। आप देखिए टीकाकार क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जस यद उक्तम उत्पादस्य अप्रसिद्धम तथा, ये जो आपने कहा पहले क्या कहा था आपने, जागृत वस्तु उसको समझ, जागृत वस्तु स्वप्न देखने के लिए हेतु होते हैं, फिर बाद में आपने क्या कह दिया कि उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, ये जो आप उल्टा उल्टा बोलने लगते हो ना, विरुद्ध बोलने लगते हो, ये ठीक नहीं है वेदांतियों को, इसलिए बोलते हैं नो भाई हमारा भाष को तुमने समझ नहीं पाया, स्वप्न जागृतयोः त्वया कार्य कारणत्व अंगीकरणात्, आपने स्वप्न और जागरण में कार्य कारण भाव को अंगीकार किया और फिर आके बात आपके क्या बोल दिया तुमने, जागरण जागतिक वस्तु कुछ है ही नहीं, तो कैसे हेतु बनेगा, बंदा पुत्र किसी का हेतु बनता है, नहीं हो सकता है। ऐसा जब कहते हैं तब असत जागृत दृष्टि है, तो असत शब्द मतलब मिथ्या वस्तु को, मतलब प्रतीयमान वस्तु है परंतु असत बिल्कुल नहीं है, इससे हमारा नहीं हो सकता काम, हम शून्यवादी नहीं है, शून्य से उत्पत्ति नहीं होना संभव, वो सद वस्तु तो एक है पूर्ण विद्यमान एक सद वस्तु, एक अल्परवेडिंग प्योर कॉन्शियस वो है, वो नहीं समझ पाने के कारण क्या था उसके ऊपर हमारी मनोराज्य कुछ कल्पना कर दी, कोई अधिष्ठान के बिना भ्रांति कभी होना संभव नहीं, तो अधिष्ठान को नहीं समझना है भ्रांति के लिए हेतु भी होती है। असत जागृत दृष्ट स्वप्ने दर्शनात् जागृत स्वप्नम प्रति कारणत्वम चेत तरी स्वप्ने दृष्ट जागृत अपनी दर्शना तस् जागृत प्रति कारणत्व किम न सैत, जागृत में देखा हुआ वस्तु प्रातिभाषिक वस्तु आप बोल रहे हो उसी को हम स्वप्न में देखते हैं तो इसलिए जागृत जो है स्वप्न के प्रति कारण हो गया, इसी प्रकार स्वप्न में देखा हुआ वस्तु भी तो हम जागृत में देख सकते हैं, इसलिए आप बोलते हैं चेत तरी स्वप्ने दृष्ट जागृत अपनी स्वप्न में देखा हुआ वस्तु भी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, दर्शना तस् जागृत प्रति कारण किम न सत, वो भी जागृत प्रति कारण होगा, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आशंका असत स्वप्न अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति, ये अति और चौके तरह बोलते ये नहीं हो सकता, नहीं बोल रहे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, परंतु तो समझना स्वप्न वस्तु ने जो स्वप्न वस्तु आपने देखा था वो स्वप्न वस्तु देख करके आपने उसके ऊपर तन्मयता हुई, फल तो आप उसको जागृत में भी देख रहे हैं, आपको जागृत में भी दिख रहे हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति की मन में ऐसा है कि मेरे को गुरु जी का दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए मन में रहे, तो उस भावना को लेकर के सपने में जाते हैं, सपने में भी कुछ देखते हैं, सब ऐसे भी हो सकता है कि पहले नहीं देखा फिर भी सपने में देखा किसने दिया, परंतु बाद में उसको मिल जाता है ऐसा वस्तु, तो उसमें क्या है हम उसको निषेध नहीं करते, क्योंकि उस सपनों को देखते समय स्वप्न उसको लेकर के मन वहाँ पर स्वप्न स्वाप्निक वस्तु को लेकर के संकल्प विकल्प किया, चाहे उसका उस काल में अथवा जागृत काल में उठ करके ऐसे कैसे देखा मैं, ऐसे कैसे हो गया, और चिंता करने लगता है, उसने मन लग जाता है, फल तो क्या होता है वो यदि उनका भाग होगा अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा भोग जैसा है तद अनुकूल है, वस्तु प्राप्त भी हो सकते हैं नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, हाँ मैंने देखा सपन में मेरे को कोई दीक्षा दिया पर दो व्यक्ति मेरे को मिल ही नहीं रहा, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे चार नंबर टिप्पणी है दिखाई दे रहे हैं, तस् जागृतम प्रति कारणत्म किम न सत इति आशंक, चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं किम न सत उभयो समान विषयकत्व मात्रस्य एव कार्यकरण भाव प्रयोजकत्वाद इति आशंक, पूर्ववादी का मन में भावना है कि दोनों ही समान विषयकत्व मात्रस्य, मतलब जैसा विषय यहाँ पे ऐसा विषय, मतलब आपने जागृत को भी प्रतिभाषी बोला स्वप्न को भी प्रतिभाषी बोला, ये तो बोला, तो जागृत प्रतिभाषी वस्तु को देख करके स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न प्रतिभाषी वस्तु जागृत क्यों नहीं देखेंगे,
वो भी तो देखना चाहिए, हम तो नहीं देखते। इसीलिए आपका सिद्धांत वो कहने का अभिप्राय छुपा हुआ है कि आपका सिद्धांत तो सही नहीं है। जिस प्रकार जागृत प्रातिभाषिक वस्तु को देख करके स्वप्न में हमको देखते हैं, इसी प्रकार स्वप्न में प्रातिभाषिक वस्तु को जागृत में देखना चाहिए, तो नहीं मिलता जागृत में, जागृत में नहीं मिलता। इसीलिए आपका कथन सही नहीं है, जागृत सत्य स्वप्न मिथ्या, ये कहना चाहते हो। बोलते ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने प्रातिभाषिक वस्तु को देख करके मन में संकल्प विकल्प करके तन्मय होता है मन। स्वप्न में भी यदि ऐसा कोई वस्तु को देख करके आप तन्मय होगा तो हो सकता है कुछ स्वप्न में दिखाई दे, जागृत में दिखाई दे, समझ में ये अभिप्राय। ये अति और चौके द्वारा ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पे ग्रंथकार। जब बोलते हैं उभयोर मतलब जागृत स्वप्नयोर समान विषयकत्व मात्र से, दोनों में विषयक समान है, कार्यकरण भाव प्रयोजक इस पर, तो एक दूसरे का कार्यकरण भाव हो जाएगा। जब जागृत को देख करके स्वप्न, स्वप्न को देख करके जागृत, ये इसका मन में ये भावना बैठा हो, आशा है मतलब इंटेंशन, इंटेंडेड मीनिंग। इसलिए बोलते हैं असत स्वप्न अपनी दृष्टिपाच, और स्वप्न में भी इस प्रकार असत वस्तु को देख करके प्रतिबुद्धो न पश्यति। यहाँ पे प्रतिबुद्ध दोनों जगह पे घटना है, एक हो गया माया निद्रा से उठना, एक हो गया सामान्य व्यावहारिक निद्रा से उठना। तो अब जो है टीकाकार भाष्यकार के लिए ये दे रहा है, भूमिका दे रहा है, श्लोक व्यावर्ताम आशंकाम उत्थापयति। श्लोक के द्वारा तृतीय समस्या, श्लोक व्यावर्तन मतलब श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको उत्थापन करता है कौन, उत्थापन भी करता कौन होगा, उत्थापयति भाष्यकार से, भाष्यकार की पंक्ति को संबंध जो है। इसलिए श्लोक व्यावर्ताम आशंका उत्थापित, श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको उत्थापन करते हैं भगवान भाष्यकार। नन भाष्य उक्तम, भाष्यकार भी पूर्व पक्षी को लेकर के लिख रहे हैं, उक्तम त्वया एव, अरे आपके द्वारा ही तो कहा गया है, क्या कहा गया है, स्वप्नो जागृत कार्य, स्वप्न हो गया जागृत का कार्य, जागृत कारण स्वप्न कार्य थी, तत्कथम उत्पाद अप्रसिद्ध, फिर आप बोलते हैं जागृत की उत्पत्ति नहीं होती, ये अप्रसिद्ध कैसे हो सकता है, आप कुछ बोलते कुछ भूल जाते हो, ऐसा ठीक नहीं है। तत्कथम उत्पाद अप्रसिद्ध इति उच्यते, ऐसा जब प्रश्न करते हैं शंका करते हैं तब बोलते हैं श्रीनु, ये श्रीनु के लिए मजेदार शब्द लिखते हैं, आनंद जी देखो क्या लिखते हैं श्रीनु को लेकर, पूर्वापर विरोधी चोदित परिहारे कथमाने मन समाधान प्रार्थयते। जब हम बोलते हैं ना तब हम ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं, और हम कुछ शब्द वेदांत में ऐसे प्रयोग करते हैं जिसके बाद आपको स्वतंत्र विचार की अपेक्षा रखते हैं। आप हमारे शब्दों को सुन करके केवल शब्दार्थों को पकड़ लिया, परंतु अभिप्रेत अर्थों को आप नहीं पकड़ पाते। यदि आपको विचार दृष्टि एक बार खुल जाता है कि श्रुति का अभिप्रेत अर्थ क्या है, तब आप वेदांत अर्थ पक्का समझ में आएगा। ये आनंद गिरि जी ने बहुत अच्छा एक शब्द मतलब गाइडलाइन दिया हम साधकों के लिए, क्या बोलते हैं, पूर्वापर विरोध चोदिते, मतलब आपका पूर्व कथन और वर्तमान कथन में विरोध है और उस विषय में शंका उठाए चोदित शंका, और परिहार उसका जो आपने शंका किया मैंने उसका परिहार दिया, परिहारे कथमाने जो अभी कहा जा रहा है, कथमाने सति चोदिते परिहारे कथमाने सति मनो समाधान प्रार्थे, आपके मन की एकाग्रता शुद्धता हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हमारा हम शब्द को ठीक से ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण भी इस पर बताते हैं सुनो, ठीक से सुनो तब जाके उसको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है होता है कभी कभी, और क्या है तो हम सुनते सुनते अपने मन ही जो है कहीं दूसरा विचार में चला जाता है, किसी के साथ जरा सुनिए तो जरा ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार का कथाकार को बोलना पड़ता है कभी कभी। पूर्वापर विरोधे चोदिते परिहारे कथ्य, पूर्वापर में जो विरोध हो रहा है उसका चोदित मन शंका उसका परिहार कथ्य माने जो कथन जब कथन किया जाता है मन समाधान प्रार्थना, आपकी मन की एकाग्रता पर प्रार्थना करते हैं सुनो सुनो। अब जो है तमेव प्रकार प्रकटय अक्षराणि, अच्छा सुनो के बाद यहाँ क्या है, तत्र यथा कार्य कारण भाव अस्माभिर अभिप्रेत, सुनो वहाँ पे कार्य कारण भाव हम लोगों की कैसे अभिप्राय है ध्यानपूर्वक सुनो, ये बोलना चाहते हैं सुनो क्या, तत्र तत्र मतलब स्वप्न जागृत, स्वप्न जागृत सप्तमी है, स्वप्न और जागरण ये आपस में दूसरे का कार्य कारण भाव है, हमारे लिए इस कार्य कारण भाव कैसा है वो जरा ठीक से सुनो। वेदांत कुछ कार्य कारण भाव मानता ही नहीं है, मानता है वेदांत कार्य कारण भाव, कार्यकर्म मानते ही नहीं है, क्योंकि जगत का मूल अधिष्ठान जिसको दिखाया गया है सत हो सदैव संवेदम एकमेव अद्वितीय अथवा ब्रह्म अथवा आत्मा, उसके उसके अंदर कारण रूप में परिणत होना संभव ही नहीं, उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है,
इसीलिए जो है उत्पत्ति कहाँ से होगा, कार्यकरण भाव कहीं होना संभव ही नहीं। अब बोलेंगे आकाश भाई ये सब जो है एक अध्यक्ष है, मतलब अध्यारोपण माध्यम से सोचा। देख हमारे अभिप्राय यही है कि कल ही बताया था, हम पहले बोलेंगे कार्य है, हाँ है, तो जब कार्य है तब कोई कारण होगा, हाँ होगा, निश्चय हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ कार्य है कोई कारण के बिना कार्य होना संभव नहीं है। फिर श्रुति क्या करती है, कार्य नहीं है तब क्या होगा, कारण नहीं है, नहीं जिसको तुम कारण रूप से समझ रहे थे उसमें कारण का नहीं है। ये पूरा हमारे सृष्टि के जो कार्यकरण भाव प्रक्रिया में ये छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ कार्य दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कोई कारण होगा, हाँ होगा, चाहे भ्रांति से सर्प में रज्जु दिखाई दे, चाहे आपको ये प्रतीति हो, बात एक ही है। पर श्रुति आप उसके बाद क्या कहते हैं, वाचारम भनम विकारो नाम देव अथवा था तो आदेश नेति नेति, तो वेदांत के ट्रम कर रहे शास्त्रार्थ में ट्रम कर यूज करते हैं इसको ये दोनों, तो जब ये दोनों श्रुति के आधार पर क्या निषेध कर देता है कि सृष्टि है ही नहीं, तो क्या हो गया, कार्य नामक कोई वस्तु पारमार्थिक है नहीं, प्रतीतिक मात्र है। परंतु क्या, तो वो जो अपने परिणाम कारण सोच रहे थे वो परिणाम कारण होना संभव नहीं है, परंतु कोई एक वस्तु है तभी तो ये दिखाई देगा, जब इससे विवर्तवा सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे और बोलते हैं कि तत्र यथा कार्य कारण भावो अस्माभि अभिप्रेत, इस विषय में जागृत स्वप्न में हमारे एक नंबर का स्वप्न जागर हो इति अर्थ, इसमें ये कार्य कारण भाव हमारे क्या अभिप्राय है उसको जरा ध्यानपूर्वक सुनो, हमारे अभिप्राय का ध्यानपूर्वक सुनो इति, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तमेव प्रकारम प्रकट अक्षराणि योजयन्ति, हम कैसे किस प्रकार के कार्यकरण भाव को मान्यता देते हैं उस प्रकार को भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं। एक बात कभी कभी ऐसा बोलते हैं भगवान भाष्यकार जगत मिथ्या बोला ही नहीं करते, भगवान भाष्य एक तो एक ना वो तृतीय अध्याय तृतीय पद में एक अधिकरण होता है उसमें तो ये मतलब मूर्तामूर्त ब्राह्मण को लेकर के विचार किए गए अथा तो आदेश सीधा सीधा निषेध का सृष्टि होना संभव है। यहाँ पे देखिए पंक्ति को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या तमेव प्रकार मतलब वो कार्यकरण भाव किस प्रकार की है, प्रकट है उसको दिखाते हुए अक्षराणी जो जाते मतलब श्लोक में आए अक्षर को दिखाते अर्थ करते हैं, श्लोक में आए अक्षर को अर्थ करते हैं। तमेव प्रकारम प्रकटयन मतलब कार्यकरण भाव किस प्रकार के हैं हमारे यहाँ पे उसको दिखलाते हुए प्रकट करते हुए अक्षराणी श्लोक में आए हुए अक्षरों को योजयति मतलब उसके अर्थ को करते हैं कौन, भगवान भाष्कर असत। अब आ जाइए इस पर, असत मतलब अविद्यमानम, असत शब्द है कि असत मतलब तुच्छ नहीं बोला, तुच्छ नहीं बोला, क्योंकि आगे दृष्टांत तो दे रहे हैं रज्जु सर्पवत, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान, मतलब है प्रतीति है परंतु वस्तु नहीं। और ये तीन चीज को अच्छी तरह समझ लेना, अनित्य मिथ्या और असत, अनित्य मिथ्या और असत तीनों शब्द वेदांत में प्रयोग होता है। अनित्य और मिथ्या में भिन्नता हमने कल बताया था कि एक शावशेष नाश होता है एक निर अवशेष नाश होता है, और मिथ्या और असत में क्या होता है, मिथ्या की प्रतीति होती है असत की प्रतीति नहीं, असत की प्रतीति नहीं। यहाँ पे जो असत शब्द प्रयोग किया, असत मतलब अविद्यमान मतलब पारमार्थिक अविद्यमानता नहीं है पर प्राकृतिक विद्यमानता है, पारमार्थिक अविद्यमानता और प्राकृतिक विद्यमानता उसको समझाने के लिए देखिए अपने आप इसी शब्द को, असत मतलब अविद्यमान और क्या लिख रहा है, रज्जु सर्पवत विकल्पितम, ये रज्जु सर्प बोल करके क्या दिया, प्राकृतिक सत्य प्रातिभाषिक सत्य है, और विकल्पितम मतलब क्या हुआ, विकल्प मतलब क्या था, शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शून्य प्रतियमान है, वस्तु शून्य विकल्प योग दर्शन की परिभाषा है, शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शून्य विकल्प, ठीक है ना। इसलिए देखिए अपने आप ही असत मतलब अविद्यमान, असत अविद्यमान, अविद्यमान बोल करके रज्जु सर्पवत विकल्पितम, अविद्यमान का अर्थ क्या हो गया, रज्जु सर्पवत विकल्पितम मतलब क्या हो गया, जो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को समान आप जो है संकल्प विकल्प करते रहते, ये भी होगा जलधारा भूचित माला धन उसको लेकर के मन में विचार चलते रहे तभी प्रतीति होती है, क्योंकि क्यों तन्मयता कैसा है, जिसको लेकर का विकल्प करते रहेंगे उसी में तन्मयता होगा और फिर वो स्वप्न में दिखाई देगा, सामने प्रतीति में दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए असत मतलब अविद्यमानम रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु, ठीक है ना। तो दो यहाँ पे क्या, क्योंकि तन्मयता क्यों आता है, अब विकल्प करते रहते हो
क्योंकि इसलिए पहले बोल आत्म सत्य अनुबोध न संकल्प यते संकल्प विकल्प करना छूट गया क्या, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। अमनस्कम तदा जाति ग्रह्या भावे तदम ग्रह, तब मन अमन हो जाता है। उनको पहले बोल करके मनुष्य अमन ही भावे तो एकदम नहीं उपलब्ध थे, तो मन को अमन कैसे करेंगे, तब उसके लिए अपने आप बोलते हैं आत्म सत्य अनुबोधे न संकल्प यते, बस एकमात्र अधिष्ठान आत्मा मैं ही सत्य हूँ, पूर्ण हूँ, व्यापक हूँ। अगर देखिए कोई भी वस्तु में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है फल तो हमारे लिए कोई उपयोगी भी नहीं है, ये निश्चय जब मन कर लेते हैं। ग्राह्या भावे ग्रहण करने जब कोई वस्तु है ही नहीं हमारे लिए, तदग्रह बाहरी वस्तु का ग्रहण होगा, तदग्रह अपने आप बोल करके आता है। इसलिए असत अविद्यमान रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृते दृष्ट्वा, जागृत काल में रज्जु सर्प के समान विकल्पित रज्जु सर्प में निर्विशेष अधिष्ठान पूर्ण व्यापक तत्व के ऊपर नाम रूप की हमने कल्पना कर रखा, ठीक है ना। निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो हमारा बौद्धिक शुद्धता नहीं है, फलत हमने क्या किया उसके ऊपर संस्कार के अनुसार नाम रूपी कल्पना की, और नाम रूपी कल्पना करते फिर विकल्प करता है, मेरा भाई, मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरे शिष्य, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये सब करते रहते मनुष्य में। इसीलिए बोलते हैं रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृत दृष्ट्वा तद्भाव, तद्भाव भावित भगवान श्री कृष्ण में बोलते हैं, वो जो इसमें आता है ना अष्टम अध्याय में सदा तद्भाव भावित, अष्टम अध्याय में आते हैं जो आप अगला सब सुन में क्या अंत काले चौमा में स्मरण में करेंगे, उसको बोलते ही बोलते हैं कि कैसे जाते हैं, क्योंकि हमेशा तस्मात सर्वेशु कालेशु माँ मनुस्मृत बुद्धि चाहिए, बोले ना आपके मतलब जिस प्रकार सब सुना उसके चिंतन कर भाई, हमेशा चिंतन करके सदा तद्भाव भावित, हमें भगवत चिंतन नहीं है जागतिक वस्तु के संबंधित सदा तद्भाव भावित मनु रहे, तो इसीलिए हम उसी पर फंसेंगे जाकर। छोटा शब्द सदा तद्भाव भविता वहाँ पे इसलिए आया हुआ है कि भगवान प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन मन में चलता रहेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पे विषय चिंतन चलता रहता है तो विषय को प्राप्त कर लेते हैं, वही सपने में देखते हैं। इसलिए तद्भाव भावित उस भावना के द्वारा भावित हो गया जो मन उस वस्तु की संस्कार से, जो इसलिए द्वितीय अर्थ है भगवत गीता का द्वितीय अर्थ ध्यायत विषयानुश संगात सुख हो जाते, यही है पहले का कोई वस्तु को देखा देखती अचानक मन में एक सोहना बुद्धि उत्पन्न होती है, ये अच्छा है अथवा ये हमारे लिए काम आएगा, जन्मांतर कुछ संस्कार रहा होगा उस प्रकार की वस्तु के प्रति तुरंत मन मतमस्ता है, और जैसे ही उस सोहना बुद्धि होती ना तो मन उसका चिंतन करने लगते हैं। हो सकता है आपने किसी मित्र को बोला देखो मन में ऐसे ऐसा है, वो मित्र आपका सुहृद है आपको समझाएगा, अरे बात ऐसी नहीं है इसमें ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, परंतु हमारी बुद्धि उसमें तो सदा तक भाव होगा, उसकी प्लस पॉइंट ही देखेगा माइनस पॉइंट देखेगा नहीं, उस नहीं देखेगा जब तक इस प्रत्येक वस्तु को संसार के प्रत्येक वस्तु में अच्छाई भी है बुराई भी है। वैराग्य के लिए बुरा मतलब खराब दृष्टि को देख मतलब उसके अंदर कमियां को देखना चाहिए, वैराग्य के लिए संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए विषय में दोष दृष्टि करना चाहिए, परंतु होता क्या विषय में अनुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है, हमको लगता है कि विषय किसको रक्षा करेगा, शरीर को रक्षा करेगा, खुद भी विषय आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए, और शरीर में इतना आत्मबुद्धि होता है उसको रक्षा करने के लिए विषम मन होता है, उस विषय को सोचता रहता है सदा तद्भाव, ठीक है ना। जागृत में देखा हुआ वस्तु को उसका संबंधित भावना होता है सदा तद्भावित तन्मय मय, ये जो तन्मय शब्द का अर्थ है यहाँ पे आता श्लोक में है ना, असत जागृत दृष्टि स्वप्ने पश्यति तन्मय, मन अभी तन्मय हो गया मतलब उस विषय आकार को प्राप्त हो, इसीलिए तो बोलते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति बना, ब्रह्माकार तब क्या हो जाएगा ब्रह्मकार वृत्ति अन्य जागृत वृत्ति बना रूप में प्रतिबद्ध न करता, अथवा ईश्वराकार वृत्ति जो भगवान चले खुद भगवान के बार बार में चिंतन करो बार बार काम करो बार बार सोचो तो जागृतिक बुद्धि मन में घुसने ये अभी नहीं रहते बस का, इसलिए कि तद्भाव भागवत तन्मय स्वप्ने अपनी जागृत बन, इसलिए स्वप्न काल में भी जागृत के समान ग्राह्य ग्रह के रूप में न वो ये ग्रहण करने योग्य वस्तु है मैं इसका ग्रहण करने वाला हूँ इसको करने से ये लाभ होगा, ये सब विचार होता है ग्राह्य ग्राहक, ठीक है ग्रहण को नहीं बोल रहे, ग्रहण तो ऑटोमेटिक हो रहा है, ग्राहक मैं ग्रहण करने वाला हूँ मैं इससे ये लाभ मिलेगा, ये चिंता होता है कि स्वप्न या कि जागृत व स्वप्न काल में जागृत के समान ग्राह्य ग्रह का रूप में ना विकल्पयन विकल्प करते हुए देखता रहता है, विकल्पयन पश्यति मतलब विकल्प करते हुए उस विषय में चिंतन करता रहता है, इसमें ये अच्छा है इसमें वो अच्छा है, थोड़ा एक आदि कोई डिमेरिट दिखाई देने पर भी फिर उसका अपने आप उसका लॉजिकल एक नहीं उसमें ये मेरिट है,
अपने आप डिमेरिट कभी संस्कार से यदि उसका डिमेरिट सामने आ भी गया अथवा किसी ने कह भी दिया, परंतु उसके एगेंस्ट में एक लॉजिक फिर मन ढूंढ लेता है कि शोभना बुद्धि पहले करना। इसलिए आप बोलते हैं विकल्पयन पश्यति, यहाँ पे कोमल करते हैं। वहाँ पे देखिए तीन दो नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है ना, विकल्पयन मतलब भ्रम विषय वस्तु जातक आरोपयन है ना, भ्रम के विषय रूपी जो वस्तु है उसको आरोप करके उसमें वस्तु जातक अथवा उसमें भ्रमित वस्तु में वस्तुत्व आरोपयन, ये अच्छा है। भ्रमित वस्तु में सत्यत्व आरोपण, क्योंकि हमें भ्रम तब अब उसमें भ्रम नहीं दिख रहे हैं, सर्प को सत्य लग रहा है, इसलिए आप बोलते हैं भ्रम विषय वस्तु जात आरोपण, भ्रम के विषय में वस्तु पारमार्थिक है इस प्रकार से आरोप करते हुए हो गया विकल्प है। विकल्प करते क्या हो गया कि भ्रांत तो वस्तु को सत्य समझ करके विचार करने लगे, दुखदायी वस्तु को सुख दे, इसी को दोस्तों अनित्य अशुचि दुख अनात्मक सुख नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्य पंचोक्लेश में कवित्व योग दस परिभाषा दिया होगा अविद्या अस्मिता राग देश उल्टा उल्टा बुद्धि हो जाना। और भगवान श्री कृष्ण इसको हम लोग तो इसको सच मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण इसको क्या बोलते हैं तामसिक बुद्धि बोलते हैं, धर्मम अधर्मम जब मन लगे तमस पिता 18 अध्याय में लगे, ये धर्म को अधर्म सर्वार्थ विपरीत अंश सब जगह पे उल्टा उल्टा सोचता है, तद बुद्धि तामस वो तामसिक। तो यही चीज है भ्रमक तमगुण का काम यही आवरण कर देता है और फिर देखने नहीं देता वस्तु ठीक से, इसलिए उल्टा देखने लगता है। ब्रह्म विषय वस्तु जातम आरोपयन विकल्पन करते हुए तीन नंबर पश्यति टिप्पणी का बोलते हैं पश्यति मतलब इव देखता नहीं है परंतु दिखा दिखता है जैसा विचार मन में होता है इति शेष। अच्छा ये हो गया आपका पहला पद। तथा ठीक उसी प्रकार से असत स्वप्नियों की दृष्टा, उसी प्रकार से स्वप्निक वस्तु जो है वो भी असत है जागृत वस्तु है। तथा स्वप्नियों की दृष्टा च प्रतिबुद्धो परंतु जग जाने पर न पश्यति, क्यों क्यों नहीं पश्यति अविकल्पयन, छोटा शब्द लिख दिया भगवान भाष्यकार, मतलब वहाँ पे प्रातिभाषिक वस्तु में सत्यत्व का आरोप नहीं किया, अरे यार प्रातिभाषिक वस्तु में सत्यत्व का आरोप करके विचार करने लगा, ये दोनों में भिन्नता हो गया। और यदि कहीं पर संकल्प आपने विचार किया हो सकता है जब खुद कर तो देखने का से ये जो अपी और चार शब्द के तरह ग्रंथकार ये कहना चाहता है परंतु फिर भी वो मिथ्या ही है वो सत्य नहीं है। इसलिए बोलते हैं देखिए च शब्द तथा जागृते अपि दृष्टा स्वप्ने न पश्यति कदाचित, च शब्द के तरह कभी ऐसा भी होता है जागृत में देखा स्वप्न में नहीं देखा, जैसा स्वप्न में देखा हुआ वस्तु जागृत में नहीं दिखाई दे रहा है इसी प्रकार जागृत में देखा हुआ स्वप्न में नहीं दिखाई देगा। कौन कौन दिखाई देगा आपको सदा तद्भाव भावी, जिसको लेकर के विकल्प करते रहेंगे उसको चिंतन कर वो दिखाई देगा। इसलिए वही जो है तन्मयता है मतलब विषय चिंता ही विषय नहीं, विषय की चिंता विषय के प्रति भावना वो हमारे वस्तु के प्रति वस्तु की प्रतीति के प्रति हेतु होगी, वस्तु की प्रतीति के प्रति हेतु। जन्मांतर की संस्कार इतना टेम्पररी प्रबल हो रखा है हमारे पास कितना जन्म, एक तो कर्तृत्व बुद्धि छूटती नहीं, भोक्तृत्व बुद्धि छूट भी जाए ईश्वर के पास कर्तृत्व बुद्धि छूटना बैठे जन्मांतर संस्कार प्रबल होता है। और दूसरी बात यह है कि वस्तु में सत्यत्व बुद्धि ठीक है बाहरी वस्तु काम नहीं आए, ये वस्तु काम आ गया ये भगवान ये वस्तु आ जाएगा मतलब वो धीरे धीरे और सबसे कहाँ पे परेशानी हो जाएगी जो धर्माचरण करते हैं, धर्माचरण करते वहाँ पे लगता है कि ये वस्तु काम नहीं आ जाएगी ये वस्तु, परंतु वो भी मन में निजन निश्चय रहते ये वस्तु में काम आने वाली नहीं है। कब काम आने वाली है जब हम तत्व को समझ जाएंगे, उसके पहले तक तो काम है कि वो क्या करते हैं धर्माचरण, हमारी जो साधक के जीवन में जो प्रतिबंधक है जो हमारा प्रगति में बीच बीच में मनोवृत्ति हमारा कोई भारी वस्तु नहीं हमारी मनोवृत्ति हमारी मतलब प्रगति में प्रतिबंधक बन जाती है, अरे इसको करने से क्या होगा इसे तो होता नहीं इसे क्या लाभ है, ये अपनी मनोवृत्ति है कितना दिन से कर कुछ हो यही मनोवृत्ति जो है हमारे प्रतिबंधक और बढ़ा देते हैं। यदि उसको हम हटा करके उसको कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा तो करने से ही, क्योंकि शास्त्र बार बार ये बोलते हैं कि वर्ण और आश्रम विहीन कर्म को निष्काम भाव से करने से ही आपका अंतकरण शुद्ध होगा, वो दिखेगा नहीं आपको अचानक तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लंबा समय बाद पता लग जाएगा ये मनोवृत्ति पूरा बदलना शुरू शुरू में तो दिखेगा। इसीलिए वहाँ पर कभी मन को उगने नहीं देना है, करते रहे आपको बाद में पता लगेगा क्या था।
क्योंकि जन्मांतर क्या क्या प्रतिबंध बैठे हमें पता नहीं है। इतना जो हमारे इस मार्ग में जन्म की सुकृति के फलस्वरूप इस मार्ग में आने का सौभाग्य प्राप्त हो, परंतु कई प्रतिबंध भी चले तो सुनते ज्ञान हो जाता नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए हम जिस मतलब जिस आश्रम में हैं तब अनुकूल जो कर्म आश्रम से विधान करते हैं उसको हमको निष्काम भाव से करना चाहिए। कुछ फल नहीं दिखेगा, बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी मनोवृत्ति में कैसे परिवर्तन। ये जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वशब्द तथा जागृति अपनी दृष्टा, स्वशब्द के द्वारा जागृत करना भी ऐसा ही देख करके स्वप्न न पश्यति, स्वप्न काल को नहीं दिखाई पड़ता है। कदाचित कदा कभी कभी ऐसा भी होता है सभी जागृत पुस्तक नहीं देखते हैं, जिसको लेकर के विकल्प करते रहते उसी को लेकर के हमको दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार स्वप्निक वस्तु भी हमको नहीं दिखाई पड़ते कि विकल्प नहीं करते। तो हमको क्या करना है अब, मैं इससे हमने हम साधक देखो हम लोग साधक हैं, हमें क्या करना है इस अवस्था में। वस्तु को आ रहा है अन्य, परंतु उसको मन के अंदर घुसने क्या घुसना घुसना था ये मेरा है ये भावना पहले उसको, फिर जैसे तब क्या होगा तब यदि जैसे मन मेरा है छत पर लगाएगा ना तब उसका उपयोगिता भी ढूंढ लगेगा। हाँ इसे मेरे काम है ये काम की वस्तु हो उसको लेकर क्योंकि प्रातिभाषिक है उसमें कोई सत्यत्व नहीं है, ये आपको कुछ नहीं दे सकता। ये दृढ़ करके तत्संबंधित कोई भी विकल्प मन में उठना तब क्या होगा तन्मयता नहीं होगी, फल का क्या होगा अवचेतन मन में वो कभी चिंतन रूप में बैठेगा तो स्वप्न रूप में सामने आ जाए। दूसरी बात ये स्वप्न की एक सुविधा और भी है, स्वप्न की क्या सुविधा है कि हमारे अंदर कौन सा संस्कार प्रबल है वो हमको समझना है। यदि वो साधक के लक्ष्य के लिए प्रतिबंधक है उसको रोको। जिस प्रकार के स्वप्न हम देखते हैं मतलब क्या है उस विषय से उस विषय तन्मयता मुझे, यदि वो भगवत प्राप्ति के अनुकूल है तो ठीक है आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति जिस प्रकार से हम लक्ष्य बन रहे हैं, और यदि उसको प्रतिकूल है तो आप उसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीज जो पुस्तक में लिखा नहीं है पर जो हमको समझना है इससे क्या समझना है कि हमें तब क्या करना है साधक अवस्था कि हमको उस सपने से हमको ये समझना है इस ये हमारी उस विषय संबंधित तन्मयता है तो वो तन्मयता ही हमारे बंधन के लिए हेतु होता है। इसीलिए तद विषय संबंधित तन्मयता को जो है उसको तो हम हटा नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, तुरंत हटेगा नहीं पर बढ़ने का मौका है, जब वो बढ़ेगा नहीं तो संसार फिर जल सिंचन मत कर जमीन मत जल सिंचन मत कर तो पेड़ नहीं पाएगा पेड़ सूख जाएगा। अभी प्रकृति है ज शब्द तथा जागृत अपनी दृष्टा स्वप्न न पश्यति कदाचित इति तस्मात् जागृतम स्वप्न हेतु उच्यते। इसलिए इस प्रकार से हम जागृत को स्वप्न का हेतु बोलते हैं, इस प्रकार से मतलब जागृत भावना को संस्कार से ही हम स्वप्न देखते हैं वो जागृत वस्तु से नहीं। इसलिए न तो परमर्थ साधित अर्थ परमर्थ के मापे कोई कार्यकरण भाव हम नहीं कहते हैं है ना संस्कार मात्र तस्मात जागृत हम स्वप्न हेतु उच्यते न तो परमर्थ साधित कृत्व वो पारमार्थिक सत्य है इसको मन में रखकर हमने नहीं बोला था या आपने नहीं समझ लिया। इसलिए भगवान भाष्यकार बीच में एक शब्द श्रेणु शब्द प्रयोग कर दिया। आनंदगिरी क्या बोला हमारी शब्द के अभिप्रेत अर्थ के ध्यान से विचार करके सोचो कि हम ऊपर ऊपर अर्थ एक होता है परंतु शब्द के लक्षित अर्थ क्या है वहाँ पर तात्पर्य का अर्थ क्या वहाँ पर जाकर जब पहुँचोगे तब आपको पता लगेगा कि वेदांत क्या कहना चाहिए कार्यक्रम भक्त किस प्रकार की कार्यक्रम आवाज इसके ऊपर टीका टीका का इस प्लान में भी मतलब 239 में तमेव प्रकार प्रकटयन अक्षराणी जो जो इस प्रकार को दिखलाते अक्षर को मतलब श्लोक में आए हुए पदों को भगवान भाष्यकार अर्थ करते असत अविद्यमान ये अविद्यमान देखिए असत शब्द मतलब क्या अविद्यमान बोल करके क्या दृष्टांत दिया रज्जुशन मतलब रज्जुशन को अविद्यमान है कि विद्यमान है विद्यमान है यानी कि असत से तुच्छ वस्तु नहीं कहना चाहता असत से प्रातिभाषिक वस्तु कहना ये अभिप्राय अच्छा इसीलिए देखो टीका का लिख रहा है तुच्छम व्यवच्छिन्नति तुच्छम व्यवच्छिन्नति मतलब तुच्छ वस्तु को तुच्छत्वम हाँ तुच्छत्वम मतलब उसमें तुच्छत्व धर्म उसको व्यवच्छिन्नति उसको निराकरण करना विच्छिन्न करते हैं तो किस शब्द के द्वारा रज्जु सर्ववत्। देखिए आनंदगिरी ये जो मदद करते हैं हमको कि अभिप्रेत असत शब्द प्रयोग कर दिया तो हमारे मन में बैठेगा बंधा पुत्र तो नहीं बोला नहीं नहीं बंधा पुत्र नहीं बोला रज्जु शब्द इसलिए आपने स्वपदानी से वर्णन थे भाष्य की एक परिभाषा है
स्व पदानी से वर्णता अपने पद को अपने आप ही व्याख्या करता है। जहाँ कहीं पर देखते करिए आप विसर्जन करने की प्रोबेबिलिटी है तो तुरंत उसका अपने आप व्याख्या करता अपने मिस करते। ये आनंद की वो दिखाते देखो तू छत्तम व्यवच्छिन्नति इसको निराकर किस शब्द के द्वारा रज्जु सर्वम दर्शन से आभासत्वम सूचयती परंतु ये पारमार्थिक नहीं है। तुच्छत्व पारमार्थिक नहीं है दर्शन आभास है उसके शब्द के द्वारा बोला विकल्पितम ये शब्द के द्वारा कि दर्शन से वो जो आपको रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है वो आभास है वो सूचित किसे करते हैं विकल्प विकल्पितम रूप विकल्पितम ठीक है ना। ये जो है मतलब आप उसको लेकर के सोचने लगते विकल्प करते रहते हो ये जो है पर तो आभास है क्यों विकल्प करते हैं यदि आपको निश्चित हो जाता ये वस्तु है तब विकल्प नहीं करते। ये इसलिए प्राकृतिक है आप अब उसको समझ नहीं पा रहे इसलिए बोलते हैं विकल्पित जागृत दृष्टि विकल्पित यथा जागृत दृष्टस्य विशेषस्य स्वप्ने दर्शना जागृत वासना अधीनम स्वप्न जागृत कार्यत्वेन व्यवह्रियते तथा स्वप्ने दृष्टस्य जागृत अपि दर्शनात् तत्कार्यत्वं जागृत संप्राप्तम इति आशंक्य द्वितीयार्थम व्याचष्टे ठीक है। यथा जैसे जागृत दृष्टस्य विशेषस्य जागृत में दिखाई दिया जो विशेषता अथवा जो भेद विशेषस्य चार नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं वैलक्षण्य उपेत वस्तुनः मतलब अलग अलग वस्तु की अलग अलग विशेषता है उसको जो आपको दिखाई दिया स्वप्ने दर्शनात् स्वप्न दिखाई देने का कारण क्यों जागृत वासनाधीन न वस्तु अधीन जागृत वासनाधीन ठीक है ना। ये जागृत वासना स्वप्न जो है जागृत कार्य तेन और स्वप्न जागृत का कार्य है इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है मतलब इसका प्रकार प्रयोग कर यदि ऐसा ही है तब तथा स्वप्ने दृष्टस्य जागृत अपि दर्शना स्वप्ने में कोई दिखाई दिया वस्तु यदि जागृत में दिखाई देता है तब क्या होगा तत्कार्यत्वं जागृत संप्राप्त तब तो जागृत क्या हो जाएगा स्वप्न का कार्य प्राप्त होगा। यदि आशंका यदि कोई ऐसा शंका करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि स्वप्निक वस्तु में विकल्प नहीं करते फल का तन्मय तो नहीं आता इसलिए प्रतिबुद्ध न पश्यत प्रतिबुद्ध न पश्यत है ना। स्वप्न असत स्वप्न अपनी दृष्टवा च प्रतिबुद्ध न पश्य बोलते हैं तथा स्वप्ने दृष्टस्य जागृत अपनी दर्शन उसी प्रकार स्वप्न में दिखाई दिया कोई वस्तु एक अधिक जागृत में भी दिखाई दे सकते हैं उसको तत्कार्यतम जागृत से प्राप्त तब तो वो जो हो जाएगा मतलब स्वप्न कार्य हो गया जागृत तत्कार्यतम मतलब स्वप्न कार्यतम जागृतम प्राप्तम इति आशंक ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं द्वितीयार्थम व्याचष्ट द्वितीयार्थम आपको व्याख्या करते हैं असत स्वप्न अपनी दृष्ट स्वप्न में भी ऐसे असत वस्तु को देख करके वहाँ पे विकल्प नहीं होता इसीलिए आप जो है प्रतिबुद्ध न पश्य यदि कभी एक आदि दिखाई भी देते हैं कभी ऐसा हमारा स्वप्न देखा तो होता है सर कोई बात नहीं वो व्यतिक्रम वो नियम नहीं है वो व्यतिक्रम है वो नियम नहीं है इसलिए आप बोलते हैं कि द्वितीयार्थ उसी उसी प्रकार से व्याख्या तथा असत्य यहाँ पे क्या बोलते हैं तथा वहाँ पे एक समीकरण हो तो अच्छा है पश्यति के बाद का मात्रा समीकरण द्वितीय अर्थ को लेकर के वो करते हैं असत स्वप्ने अपनी दृष्टा च प्रतिबुद्ध न पश्यति अकस्मात न पश्यति अविकल्पयन विकल्प नहीं करते हुए प्रतिबुद्ध प्रथम एक वचन है विकल्पयन प्रथम एक वचन है विकल्पयत विकल्पयत पार्टिसिपल है और उसका प्रथम एक वचन है विकल्पयन है ना प्रथम इसका प्रतिबुद्ध का भीषण हो गया तो विकल्प नहीं करने के कारण प्रतिबुद्ध स्वप्ने अपनी दृष्टि न पश्यति आपको प्रयोग करके जग करके नहीं देखते यहाँ भी बोलते हैं देखिए जब तू स्वप्न जागृत उत्तम कार्य कारणत्म तदपि न नियमम इति निपातार्थम अथयति जो आपने बोला स्वप्न जागृत के नियम मतलब जो जागृत में देखा वो स्वप्न में देखते हैं जो स्वप्न में देखा जागृत में देखता है यह नियम नहीं है कई जागृत वस्तु है जो हम स्वप्न में नहीं देखते और एकाधिक कोई विलक्षण स्वप्न वस्तु हम जागृत में देखते अधिकतर नहीं देखते हैं ये किसके द्वारा सूचित किया ये अपि और च शब्द यहाँ पर एक चकार बोल रहे हैं अपि भी इसी अर्थ में आएगा स्वप्न में भी ऐसा ही है अभिप्राय तो च शब्द एक एक शब्द को कितना विचार करने का च शब्द से क्या कहना चाहते हैं च शब्द तथा जागृत अपि दृष्टा स्वप्न न पश्यति कदाचित ऐसा कोई वस्तु होता है जो स्वप्न में कभी भी नहीं देखा आपने जागृत में कितना वस्तु देखा जागृत में कितना वस्तु स्वप्न में कभी नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि आपने उसको लेकर के विकल्प नहीं उसको लेकर के विकल्प नहीं कि ये अभिप्राय है ये जो है आपने को परखने के लिए ना बहुत अच्छा माइलस्टोन दिया हुआ है बहुत अच्छा माइलस्टोन दिया हुआ है। मैं कहीं पे गया
वो वस्तु हमारे मन में भरा कि नहीं भरा कैसे पता लगेगा? यदि वो सपने में आता है, सपने में नहीं आ रहा है मतलब वो मन में नहीं बैठा। और इसके हर जगह पे वर्तमान में व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना है, इसको मन में बैठने ही नहीं देना है। प्रारब्ध का जनित आया हुआ है वहीं पर समाप्त कर दो, उसको बिल्कुल नहीं सोचना, उसको तब विकल्प नहीं करना, कुछ नहीं करना, विकल्प जो होगा भगवान करके रखो उसी होगा, हम कुछ नहीं सोचेंगे। ये निश्चय करोगे तो विकल्प नहीं होगा, तो विकल्प नहीं होगा तन्मयता नहीं आएगी, तो फिर क्या उसका संस्कार देने की जरूरत है? क्योंकि वही संस्कार तो हमको धक्का मारता अगला काम करने के लिए। धीरे धीरे मतलब एक प्रारब्ध भोगते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, मोक्ष साधन के लिए यही प्रक्रिया है। तस्मात प्रायश टीका में फिर तस्मात प्रायश स्वप्न जागृत वासन अधीनत्वाद इति जागृत, वहाँ पर जो इसलिए तस्मात आए, तस्मात जागृतम स्वप्न हेतु रुच्यते, यहाँ पर जो तस्मात पद आया हुआ है वो तस्मात पद के अर्थ लिख रहे हैं। कहा तस्मात प्रायश मोस्टली नॉट ऑल इट्स नॉट मैंडेटरी मोस्टली स्वप्न जागृत वासन अधीनत्वाद इति जागृत, स्वप्न जागृत वासना का अधीन है, जागृत वस्तु का अधीन नहीं है। दोनों भिन्न का समय में आ गई, जागृत वस्तु अथवा जागृत वस्तु की वासना, ये दोनों भिन्नता है। इसीलिए कठोपनिषद में ना यहाँ पे विड्रो प्रक्रिया दिखा रहे हैं, वहाँ पे जमराज बोलते हैं कि इंद्रियों से मन इंद्रियों से सूक्ष्म विषय को कहा कठोपनिषद में, इंद्रिय के पराई अर्थ अर्थव्य परम मन मनसस्थ पराबुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत्व परमाव्यक्तम अव्यक्त पुरुष पर पुरुषात्मा परम किंचित साकाष्ठ सरकार। वहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान दिया? बोल रहे हैं विषय तो बाहर दिखाई दे रहे हैं, पर जमराज बोल रहे बाहर विषय समस्या के कारण नहीं है, जो अंदर इंद्रियों से जो अंदर इंद्रिय, इसलिए वो इंद्रियों से सूक्ष्म है, इंद्रिय से सूक्ष्म विषय है, हमें क्या दिखता है? इंद्रिय नहीं दिखाई पड़ता, विषय दिखाई पड़ता है, तो विषय स्थूल है इंद्रिय सूक्ष्म है। यमराज क्या बोलते हैं? इंद्रिय स्थूल है विषय सूक्ष्म है। कौन सा विषय? जो इंद्रियों के माध्यम से अंदर गया सदा तदभाव भावित है, ये तन्मय है ना, ये यहाँ पर लिखा है। तस्मात प्रायश स्वप्न से जागृत व स्वाधीनता दी जावती, इसका विपय करते हैं। जागृत परमार्थ सत्वा कार्य से स्वप्न से भी तादात्म्यात् तथात्म विवक्षितत्वा विवक्षित्वा कार्य कारणत्व प्रथा कथम न भवति इति व्यावर्तम कथयति न तु। इसलिए बोलते हैं कोई व्यक्ति शंका करते हैं, मतलब बार बार इसको उठाते हमारे मन में जो भावना है ना, ये होता है सोचते हैं तो बार बार इस प्रकार की वस्तु में नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो सब जगत को सब सत्य देखते हैं। जागृतस्य परमार्थ सत्य कई बार ये माना हुआ है, जागृत वस्तु पारमार्थिक सत्य होने के कारण कार्यस्य स्वप्नस्य उसका कार्य भी जो स्वप्न है वो भी तो तादात्म्य है, वो उस पर होना चाहिए। तथात्म विवक्षिता इस प्रकार भाव को मन में रख करके कार्य कारणत्व प्रथा ये जो कार्यकरण की जो प्रक्रिया खत्म न भवती क्यों नहीं हो सकता है इति व्यावर्तन कथे तो उसको निराकरण करके कहते न तो पारमार्थ साधिति कृत्वा, क्योंकि जब कोई भी वस्तु संसार में पारमार्थिक सत्य है ही नहीं, मतलब तो हमारी मन मान्यता दिया और कैसे मान्यता दिया तक संबंधित विकल्प आदि चिंतन करते अंदर भर लेते हैं और फिर तदनुकूल स्वप्न देखते व्यवहार भी करते रहते हैं। यहाँ तक अब जो है आगे बोलते हैं कि व्यवहार दृष्टि टीका में व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म स्वप्न जागृत होता है। व्यवहारिक दृष्टि को मन में रख करके हमने क्या कहा, स्वप्न और जागृत में स्वप्न हो गया कार्य, जागृत हो गया कारण, किस रूप में? वासनात्मक रूप में जागृत वासना कारण। व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म स्वप्न जागृत होता, व्यवहारिक दृष्टि को मान्यता देकर कम तो हमारे ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं है। क्यों? जो मुख्य हमारे पास श्रुति कहती है एक सत्य है, एक सत्य ही था और अभी भी सती है, सदैव सिंह इदम अग्रे आशीत एकम एव अद्वितीय। तब पूछा क्या कि क्या इस समय सत्य नहीं है, फिर श्रुति अपने पे असदैव इदम अग्रे आशीत, तो वहाँ पे एक बात ही बोलते हैं देखो सत्य से उत्पत्ति बोल रहे हैं और असत से भी उत्पत्ति बोल रहे हैं, तो भगवान भास्कर बोलते यही तो समझना है। क्या समझना है? वो जो सत रूप में नाम रूप दिखाई दे रहा है, नाम रूप में जो सत बोध किया वो असत है, असत है, ये नाम रूप असत है,
उसकी प्रतीति मात्र है, आप अपने आप बोलते हैं। तो ऐसा क्यों किया? बोलते हैं जिस प्रकार एक घोड़े के ऊपर सवार होकर के घोड़सवारी घोड़ा का मुंह को बदलता है, इसी प्रकार सत के ऊपर सवार होकर के श्रुति सत्य से मुंह को घुमाना चाहता है, सतरूप देखते नाम बोलते हैं। अच्छा ये अभिप्राय रहते हैं नाम रूप में सत्य वो दिखाने के लिए। व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म, व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म स्वप्न जागृत, व्यवहारिक दृष्टि से ये जो कार्य कारण भाव है स्वप्न, स्वप्न हो गया कार्य और कारण हो गया जागृत, इति उत्तम। तत्व दृष्टिया तो परंतु पारमार्थिक दृष्टि से कोई कार्य कारण भाव होना कहीं भी संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव कहीं भी संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। महाराज हमें तो दिखाई देता है, ये तो बोलता है ये लकड़ी का, ये विकार है, पृथ्वी का विकार है, परंतु हमारी जन्मांतर की भावना ऐसा बन रखा कि उसको हम सोचते रहते हैं ऐसा। परंतु जब आकाश वायु अग्नि जब पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई तो इसका कार्य क्या माने? श्रुति अपने आप बोलते हैं बाजार मन विकार नाम तो वाचन अम्बन कहाँ से शुरू होती है? आकाश, आकाश से वाचन अम्बन शुरू हुई, तो वाचन अम्बन विकार वही श्रुति बोलती है और वही श्रुति अपने आप दिखाती है कि मेरा सामने ऐसा प्रक्रिया को अपने अन्य न संग शुंगे न मूलम अन्य अद्विशंग शुंगे न तेज मूलम अन्य तेजस संग शुंगे न सद मूल। श्रुति अपने आप दिखाई, इसके अभिप्राय क्या है? अपने आप दिखाती है कि केवल निश्चित प्रक्रिया में हमारा मदद करने के लिए हम इस धर्म प्रक्रिया को अपने हैं ताकि सत्य क्या वस्तु समझ में आ जाए। यही हमारे प्रक्रिया दृष्टि बोलते हैं व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म स्वप्न जागृत है उत्तम, तत्व दृष्टिया तो अप्रसिद्धम एवं। तात्विक दृष्टि से तो कार्य कारण भाव कहीं होना संभव ही नहीं है, क्वचित अपि किसी भी स्थान में कार्य कारणत्म इति वदन, कार्य कारण इति वदन ऐसा बोलते हुए अवस्तुन अज्ञान अवस्तु एवं कार्य भवति इति मतम व्यवर्तयति। अवस्तु जो अज्ञान है, इसीलिए अवस्तु से कोई अवस्तु ठीक है अज्ञान से दिखाई देगा तो फिर भी कार्य कारण भाव क्या हो जाएगा? अवस्तु से अवस्तु का मतलब जो वस्तु नहीं है उससे कोई नहीं है वस्तु उत्पन्न होगा नहीं, ऐसे बोलते इस प्रकार भाव भी हमारे अंदर नहीं है, इस भाव भी हमारे अंदर नहीं है कि यहाँ पे क्वचित अपि कार्य कारणत्म इति वदन, इस प्रकार बोलते हुए अवस्तु न मतलब जो पारमार्थी में अज्ञान अज्ञान के कारण अवस्तु एव कार्य अवस्तु से अवस्तुत्मक कार्य भवति इति मतम, इस मत को भी व्यवहार करते हैं मतलब किसी भी प्रकार से सृष्टि होना पारमार्थिक संभव ही नहीं है, इस मत को व्यवहार करते हुए देखो अगला श्लोक बोलते हैं नास्त सत् हेतु कम असत् नास्त सत् हेतु कम असत् सत असत हेतु कम तथा सत असत हेतु कम तथा सच असत हेतु कम नास्ति सच असत हेतु कम नास्ति सत हेतु कम असत कुतः सत हेतु कम असत कुतः नास्ति असत हेतु कम असत सत असत हेतु कम तथा सच असत हेतु कम नास्ति कोई असत वस्तु, कोई असत वस्तु कारण वाला नहीं हो सकता है, कोई असत वस्तु मतलब आकाश कुसुम कोई वंदा पुत्र की बागीचा से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं नास्ति असत हेतु कम असत, असत हेतु वाला कोई असत वस्तु है ये नहीं कहा, मतलब असत से असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। एक फिर सत असत हेतु कम तथा मतलब नास्ति, और इसी प्रकार से सत भी असत हेतु वाला तो हो ही नहीं सकता, असत भी असत हेतु वाला नहीं हो सकता और सत भी असत हेतु वाला नहीं हो सकता, मतलब असत को हेतु बना करके ये ना सत के लिए कारण बन सकता है ना असत के लिए कारण बन सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नास्ति असत हेतु कम असत, सत असत हेतु कम तथा सत वस्तु भी असत हेतु वाला भी न होती, मतलब अस्ति नास्ति तथा तथा शब्द से क्या देंगे नास्ति, नास्ति को तथा बोलते हैं, ठीक है भाई। तो असत को कारण बना करके असत से असत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति, सत नहीं होती, सत च सत हेतु कम नास्ति, कोई सत वस्तु उसका कोई सत वस्तु हेतु हो जाए ये भी नहीं हो सकता, एक घर से दूसरा घर उत्पन्न हो जाए ये भी नहीं हो सकता। महाराज हम ये कब कहा घर से घट की उत्पत्ति होती है, मृत्यु का से घटा की उत्पत्ति होती है,
ये वृत्ति का से घड़ा की उत्पत्ति सोना से सोने से गर्म अलंकार की उत्पत्ति जो तुम कहते हो ना ये तुम्हारे एक बौद्धिक विकार मात्र है। तो वृत्ति का एक संस्थान रूप में ऐसा देखा था पानी के पाप भी शब्द बन जाते परंतु पारमार्थिक नहीं है। ये सत्य सद हेतु को नष्ट सद वस्तु भी सद हेतु वाला नहीं हो सकता है ना। सद हेतु का असत को तब कि कोई असत वस्तु सत हेतु वाला कैसे हो सकता है। तो पहले लाइन में असत के हेतु बना करके असत असत को निषेध किया, दूसरा में सत को हेतु बना करके सत, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सत है उसके अब तक तो कुछ थोड़ा विकास में संभव नहीं है, इसलिए सत शब्द पर किया। सत्य सद हेतु का नष्टि सद हेतु का असत को तह सद हेतु और असत कैसे हो सकता है। आनंद के लिए देखिए जो एक एक करके जो चार पाद है चार पाद में किन किन बातों का खंडन किया उसको बोलते हैं। शून्यवादी नस्तु सदैव कार्यम जायते शून्यादिति मन्यन्ते तान प्रत्यह। शून्यवादी क्या बोलते हैं शून्य से सत्कार्य उत्पत्ति होती है, सत शून्यवादी ऐसा मानते हैं। शून्यवादी नस्तु सदैव कार्यम सत्कार्य को सत मानते हैं और जायते शून्य शून्य से उत्पन्न असत इति मन्यन्ते ऐसा मानते हैं। तान पूर्व के प्रतिभा नास्ति असत हेतु असत। अच्छा फिर तथा इति अनेन ऊपर जो आगे जो है ना सत असत हेतु कम तथा सॉरी सेकेंड बात को सत असत हेतु कम तथा क्योंकि पहले नास्ति तो पहला प्रतीक आ गया था पहले मतलब द्वितीय पाद में जो सत शब्द आया हुआ है श्लोक की द्वितीय पाद में सत शब्द आया हुआ है वो शून्यवादी का खंडन करती है। शून्यवादी का खंडन करती है तथा वहाँ पर जो तथा पद आया हुआ है द्वितीय पाद का अंतिम शब्द है तथा तथा इति अनेन नास्ति इति एतत् अनुकृष्यते वहाँ पे तथा शब्द के द्वारा किसको बोला वो नास्तिक पद वहाँ पर अनुकर्षण करते उसको वहाँ पर लगातार अर्थ बन गया। शंखवादी क्या बोलते हैं सत्कार्यवादी है वो कार्य कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहते हैं। कार्य कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहते हैं। वेदांती कार्य कारण में कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। एक भिन्नता है एक दोनों सब सत्कार मतलब चल हम सत्कारणवादी है वो सत्कार्यवादी कारण मिथ्या प्रपंच सृष्टि एक वर्णयन्ति सत् ब्रह्म मिथ्या प्रपंच की सृष्टि के कारण मानते हैं। ऐसा कुछ भी मतलब हमारे जो अन्न का अन्न छुट्टी बात को मानने वाला बोले कहते तब निराचे सत हेतु कम असत को जो ब्रह्म सत है वो सत होगा तो सारा वो भी परिणत हुआ होगा तो सारा ही जो है उसका उसी का ही सत रूप में दिखाई देना चाहिए सत्य रूप में दिखाई देना चाहिए पर ऐसा है इसलिए ये नहीं हो सकता। ये अभी कल अमावस्या है तब कल परसों दो दिन बंद अमावस्या बंद ठीक है प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यामृतमनरैर्दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमं ब्रह्मं भागपातेर्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।